Hello dear students, welcome back to my channel Physics SPC. CBSE sample papers for 2024 examination class 12th physics. Question number 8. An electron with angular momentum capital L moving around the nucleus has magnetic moment. Magnetic moment मतलब magnetic dipole moment is given by चार चॉइस रखे हैं. Solution. तो क्वेश्चन में कहा है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है जिसका एंगुलर मोमेंटम कैपिटल एल है. तो मान लो कि ये न्यूक्लियस है और ये आपका इलेक्ट्रॉन है और ये ऐसे इसके अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है. ये न्यूक्लियस है, ठीक है, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है. इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, मान लो कितनी स्पीड से घूम रहा है, v से, और इस इलेक्ट्रॉन का मास m है, ठीक है. जब कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व करेगा तो करंट जो फ्लो करेगी ड्यू टू दिस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के अपोजिट डायरेक्शन होगी, दैट मींस ऐसे. तो करंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका I इज इक्वल टू, करंट क्यों निकाल लें, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ड्यू टू करंट कैरिंग लूप, करंट कैरिंग लूप. तो m बराबर होता है I इंटू एरिया. तो करंट निकालना है और एरिया, इस लूप का एरिया लिखेंगे तो सर्कल बनेगा, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, अगर इसकी रेडियस r माने तो करंट तो I निकालनी पड़ेगी, R लिख सकते हैं हम, पाई आर स्क्वायर. तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालना है बेटा हमें, इसी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. कैपिटल M मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, यहाँ स्मॉल m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन निकालना है इन टर्म ऑफ कैपिटल L है. तो कैसे निकालते हैं जरा समझते हैं. I इज इक्वल टू फ्लोइंग चार्ज ओवर टाइम टेकन, फ्लोइंग चार्ज अपॉन टाइम टेकन. यहाँ पे फ्लोइंग चार्ज इलेक्ट्रॉन है, मूविंग इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज की जगह पे लिख सकते हैं E और टाइम लिख दिया t, ठीक है. अच्छा, फॉर वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, अगर ये इलेक्ट्रॉन एक कंप्लीट राउंड कर लेता है ऐसे तो कितना समय लगता है, कैपिटल T. इसको टाइम पीरियड बोलते हैं बेटा हम. तो टाइम पीरियड किसी पार्टिकल को सर्कुलर पाथ पर एक कंप्लीट राउंड करने में जो समय लग रहा है, टाइम लग रहा है, उसे टाइम पीरियड बोलते हैं. इसीलिए कंप्लीट राउंड के लिए जो टाइम लगेगा वो कैपिटल T, टाइम पीरियड के बराबर. तो I बराबर हो जाएगा E अपॉन कैपिटल T. एंड इलेक्ट्रॉन जब किसी ऑर्बिट में घूमता है न्यूक्लियस के अराउंड तो कॉन्स्टेंट स्पीड से रोल करता है. हाँ, वेलोसिटी चेंज हो रही है बिकॉज दर्शन चेंज हो रही है, बट स्पीड कॉन्स्टेंट रहती है. तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. अभी कॉन्स्टेंट स्पीड से घूम रहा है, स्पीड टू बी, और टाइम एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन का कैपिटल T. और एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में जो डिस्टेंस कवर करेगा तो सरकमफ्रेंस के बराबर 2 पाई r. तो यहां से अगर मैं टाइम पर T की वैल्यू निकालूं, T की, तो यह आएगा 2 पाई r अपॉन v, और ये वाली वैल्यू इसमें पुट कर दूं तो करंट आ जाएगा हमारा, करंट I ना, देन करंट I इज इक्वल टू T की वैल्यू पुट करेंगे तो E अपॉन T की वैल्यू ये पुट करेंगे तो 2 पाई R अपॉन V कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर. इतना करंट आ गया बेटा, E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हो गया, ठीक है. E I की वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए तो डायपोल मोमेंट आ गया, कैपिटल डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आ गया, मैग्नेटिक मोमेंट बोल सकते हो. I की वैल्यू EV ओवर 2 पाई R मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई मर गया, आर से एक आर मर गया, EV स्मॉल r बाई 2. इतना आंसर हो जाना चाहिए था, बट इतना चॉइस ही नहीं, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम के टर्म में दे रखा है वो. अब एंगुलर मोमेंटम का क्या कंसेप्ट है, तो नाउ एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंगुलर मोमेंटम किसका है, इलेक्ट्रॉन का, मूविंग इलेक्ट्रॉन मटेरियल का होता है ये. तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके अबाउट, अबाउट न्यूक्लियस, अबाउट न्यूक्लियस. क्या होता है भाई न्यूक्लियस, क्या होता है, L बराबर होता है R P sin थीटा, ऐसे. या थीटा एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड पी वेक्टर। इसमें अब आर वेक्टर क्या हुआ, किसके अबाउट निकाल लें, किस पार्टिकल का निकाल लें। देखो इलेक्ट्रॉन का निकाल लें तो वहां पे तो हेड आएगा, किस पॉइंट के अबाउट निकालें, न्यूक्लियस के अबाउट निकालें, वहां पर टेल आएगा। तो आर वेक्टर की डायरेक्शन तो ये हो गई। और पी जो लीनियर मोमेंटम होता है ये मास इनटू वेलोसिटी होता है, इन दोनों की डायरेक्शन सेम होती है। तो जो डायरेक्शन लीनियर मोमेंटम की वही डायरेक्शन वेलोसिटी की, तो लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन ऐसे हो गई किसी इंस्टेंट टाइम पर। अब पी और आर वेक्टर के बीच में एंगल देखना तो टेल टेल देखते हैं, तो आर वेक्टर का और ये वाला एंगल नहीं होगा, ये तो हेड टेल हो गया। इस आर वेक्टर को एक्सटेंड करना पड़ेगा बेटा। अब टेल टेल एंगल देखें तो ये एंगल हो गया आर और पी के बीच में जो कि 90 डिग्री है। तो किसी भी इंस्टेंट पॉइंट पर आप एंगल देखोगे 90 डिग्री आएगा, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा टेंजेंशियली होती है, ठीक है। इसलिए 90 डिग्री हो गया बेटा ये एंगल। तो एंगुलर मोमेंटम हो गया, इस पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लें अगर हम, तो एम इन टू बी, ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख दिया, तो एम बी आर हो गया बेटा। साइन 90 की वैल्यू 1, साइन थीटा थीटा 90 रख दें, साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, और पी की वैल्यू एम बी रख दें तो एम बी आर। यहाँ से देखो मेरे को एल के टर्म में चाहिए, एल के टर्म में चाहिए तो यहाँ से वी आर निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा एल अपॉन एम, और इस वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूँ। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या लिख सकते हैं, एम बराबर ई बाई 2 और वी आर की वैल्यू पुट कर सकते हैं एल अपॉन एम। तो ये आ गया आपका, यहाँ एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखना ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, एल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन अबाउट द न्यूक्लियस, ई एल बाई 2 एम। तो ए चॉइस इज करेक्ट, ए चॉइस इज करेक्ट। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।